मैं महेंद्र पांडे, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सी आई टेली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के मेरे क्लास का टॉपिक है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको आपको हमने बोर्ड पे समझाया। आज मैं उस सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा इसमें, जिससे आप लोगों को कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर पर करके देखते हैं, प्रैक्टिकल कम्प्लीटली तरीके से करके देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के पास आप शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को अटेंड कर पाएँ। तथा वीडियो को आप लास्ट तक देखें, चूँकि वीडियो को जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको कम्प्लीट नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हम कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरी को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं टैली में। तो सबसे फर्स्ट हमें कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को एक्टिवेट करना होता है। उसके को एक्टिवेट करने के लिए हम अकाउंटिंग फीचर्स में जाते हैं। आप देख पा रहे हैं बटन बार पे फीचर्स ऑप्शन है, फीचर्स पर हम क्लिक करें या हम F11 प्लस F1 प्रेस करें। यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स में हमें जाना होगा, हम अकाउंटिंग फीचर्स पर क्लिक करते हैं या फिर हम ए भी प्रेस करते कर सकते थे, हम वहाँ एंटर भी कर सकते थे। क्योंकि हमने इसमें पहले से लेज़र बना करके रखा है, जो हमें इम्प्लीमेंट करना है सारी चीज़ें उसको मैं इसमें बना के रखा हूँ, इसलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। हम नीचे आ जाते हैं, ऑप्शन है मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स, ये ऑप्शन यस है पहले से, क्योंकि मैं इसको यस कर चुका हूँ। यहाँ अगर यस नहीं है तो इसको आप सबसे पहले आप इसको यहाँ यस करेंगे। उसके जस्ट नीचे है आपका मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरीज, इसे हम यस कर लेंगे, क्योंकि कॉस्ट कैटेगरी के लिए ये ऑप्शन आपको यस करना जरूरी है तथा कॉस्ट सेंटर्स के लिए आपको मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स को यस करना जरूरी है। इसे हम एक्सेप्ट करेंगे, एंटर करते हुए हम या तो एक्सेप्ट कर लें या हम कंट्रोल के साथ ये प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम बैक आ जाते हैं, आप देख पा रहे हैं हम अपनी कंपनी KCI ट्रेडिंग कंपनी में हैं। गेटवे ऑफ टैली के मेन मेन्यू पर हैं, मास्टर के अंतर्गत हम अकाउंट्स इन्फो पर हैं, यहाँ पर हम एंटर करेंगे। अकाउंट्स इन्फो में आप देख पा रहे हैं गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो, ग्रुप लेजर आप पढ़ चुके हैं, कॉस्ट कैटेगरीज एंड कॉस्ट सेंटर्स, आप देखें दोनों चीज़ें हाईलाइट हैं। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया कि कैटेगरी एज ए ग्रुप, जैसे हम यहाँ ग्रुप देख रहे हैं आप, ग्रुप और लेजर का जो संबंध है वैसा ही संबंध कॉस्ट कैटेगरीज एंड कॉस्ट सेंटर्स का है। हम कैटेगरीज के अंतर्गत सेंटर्स को रखते हैं। अगर हम सेंटर्स को इम्पोर्टेंस देकर के केवल सेंटर्स बनाना चाहते हैं तो कॉस्ट कैटेगरी में एक बाय डिफॉल्ट कैटेगरी बना हुआ रहता है, जिसे हम प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी कहते हैं। ये हमें बनाना नहीं पड़ता, जैसे लेजर में कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो लेजर आपके बने रहते हैं, वैसे ही कैटेगरी में प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी आपका पहले से ही बना रहता है। हमने इसमें दो कैटेगरी पहले से क्रिएट रख कर रखा है, एम्प्लॉयज एंड सैलरी एक्सपेंसेस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक एग्जांपल दे करके मैंने समझाया था, उसी एग्जांपल में आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं, और कैटेगरी सेंटर्स क्या है, अगर हम कैटेगरी आपने देखा सेंटर्स हम कैटेगरीज के अंतर्गत बनाते हैं, जो कैटेगरी होती है उसी से रिलेटेड सेंटर हम बनाते हैं। हमने एम्प्लॉयज और सैलरी एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपके सेंटर्स क्रिएट कर रखे हैं। ये मैं अभी कैसे बनता है वो करके दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने पहले से बना लिया, जिससे वीडियो बहुत लंबी ना हो, जिसे आप बोर ना हो, मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा आपको, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने बोला है कि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो हम बैक चलते हैं, सबसे फर्स्ट हम कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। चूँकि कैटेगरी हम क्रिएट कर चुके हैं तो सबसे फर्स्ट हम अल्टर पर जाते हैं। हालांकि आप लोग क्रिएट करने के लिए क्रिएट पर जाएंगे, क्योंकि मैं पहले से क्रिएट कर रखा हूं और हमें उसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना है, इसलिए हम अल्टर पर जा रहे हैं। और कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको क्रिएट करना तो आपको अल्टर पर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, आपको क्रिएट करने के लिए क्रिएट पर ही जाना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं एम्प्लॉयज, आप देख पा रहे हैं कॉस्ट कैटेगरी अल्ट्रेशन नहीं, जब हम क्रिएट करेंगे तो क्रिएशन खुल करके आएगा, हम आपको क्रिएट कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए। हम नेम डालते हैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो भी हमारा कैटेगरी, क्योंकि हमें जितने भी टाइप से विवरण को व्यक्त करना है, जितने तरीके से समराइज करना है उसे, उतना हम कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे,
कहने का मतलब यदि हमें कॉस्ट सेंटर्स को पैरेलल एलोकेट करना है, कंप्लीट विवरण देना है उसका, तो हम कॉस्ट कैटेगरीज बनाते हैं। तो यहाँ इम्प्लॉयज कास्ट कैटेगरी मैंने बनाया है, इसमें एलियस है, एलियस मैंने बताया था, उपनाम या कोड भी डाल सकते हैं। एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स, रेवेन्यू आइटम मतलब जो हम ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं वो रेवेन्यू आइटम कहे जाते हैं, तो उसे हम यस करके रखते हैं। नॉन रेवेन्यूज को हम नो कर देते हैं, चूंकि हम ट्रेडिंग से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो हम यहाँ से इसको नो कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे ही हमारा सैलरी एक्सपेंसेस है, सैलरी एक्सपेंसेस में देखिए कभी कभी ये एलोकेट रेवेन्यू आइटम ये नहीं शो करता है, तो यहाँ से हम F11 F12 कर लेंगे, और ये आप देख पा रहे हैं प्रोवाइड एडवांस इन्फॉर्मेशन इन मास्टर, ये ऑप्शन हमें यस करना होगा, तब वो चीज़ें आपको दिखेंगी। सो पहले से मेरे सिस्टम में एक्टिवेटेड है, तो हम यहाँ इसको एक्सेप्ट करके बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से हम कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेंटर क्रिएट करके आपको दिखाते हैं, चूंकि मैं बता रहा हूं, तो अल्टर में हमें स्टेप स्टेप बाय कर सकते हैं। हम चलते हैं जैसे काजल नाम का मेरा, या ब्रांच ऑफिस नाम से मेरा सेंटर है, हम क्रिएट करते हैं। आप देख पा रहे हैं कैटेगरीज में सैलरी एक्सपेंस है, यहाँ हम देखें तो यहाँ से लिस्ट ऑफ कैटेगरी जो बना होगा उसका, जिसके अंतर्गत हमें करना है सेंटर को, वो यहाँ से हम चुनते हैं। तो हमने यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस में इसको किया हुआ है, क्योंकि हम ब्रांच पर सैलरी देते हैं, मेन ब्रांच ऑफिस ब्रांच में देते हैं, या जिस पर भी दे रहे हैं, मेन ब्रांच है, मेन ऑफिस है या ब्रांच ऑफिस है, तो जहाँ भी हम सैलरी दे रहे हैं, चूंकि हम सैलरी विवरण को, सैलरी एक्सपेंस विवरण को हम दे रहे हैं यहाँ पर, तो उसी के अंतर्गत हमने कैटेगरी एक बना लिया। आज समझाने के लिए आप लोगों को, तो सैलरी एक्सपेंसेस आपका मेरा कैटेगरी बन गया, नेम मैंने ब्रांच ऑफिस डाला, अंडर में प्राइमरी हो गया, एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरीके से हमने दूसरा सेंटर भी क्रिएट किया है सैलरी एक्सपेंसेस के अंतर्गत, आप देख पा रहे हैं, बट हम अल्ट्रेशन में इसको आपको दिखा रहे हैं, चूंकि हम पहले से बना चुके हैं, और आप लोग इसको बनाइएगा तो क्रिएशन में जाकर के आपको बनाना पड़ेगा। हमने एम्प्लॉयज के अंतर्गत कुछ एम्प्लॉयज के नेम बना लिए हैं, जिससे हम अपने विवरण को ये दिखा सकें कि हमने सैलरी दिया तो कहाँ दिया और किसे दिया, कितना दिया, ये सारा कुछ विवरण हम दिखा पाए। तो इस तरह से हम सेंटर क्रिएट कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्रिएशन आ गया होगा, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम वाउचर पे, ट्रांजेक्शन्स पे आ जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर पे आते हैं, यहाँ पर हम एंटर करते हैं। चूंकि हमें एक्सपेंसेस करना है, और एक्सपेंसेस जो होता है वो पेमेंट में करते हैं, जो भुगतान हम करते हैं वो हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। चूंकि हम सैलरी दे रहे हैं तो हम पेमेंट ही कर रहे हैं, हम रेंट दे रहे हैं तो हम पेमेंट कर रहे हैं, हम कमीशन दे रहे हैं तो हम पेमेंट कर रहे हैं, हम किसी पार्टी को पहले से उसके हम बकायेदार हैं, अपने क्रेडिटर को हम पेमेंट कर रहे हैं तो भी हम पेमेंट से ही करते हैं। कहने का मतलब जो भी हम एक्सपेंसेस या हमें जिसको किसी को भुगतान करना है तो हम पेमेंट वाउचर में ही करते हैं। पेमेंट वाउचर पर आने का शॉर्टकट होता है F5 प्रेस करके हम पेमेंट पर आ सकते हैं, चूंकि पहले से हम पेमेंट वाउचर ओपन कर रखे हैं। आप देख पा रहे हैं अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन पर हम हैं, आपके सामने लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट शो कर रहा है, पर्टिकुलर में हमें लेजर चुनना है, हमें दो लेजर भी बनाना पड़ता है, एक सैलरी अकाउंट का हमने बना लिया, कैश बनाना होता है, चूंकि टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कैश लेजर बन के तैयार रहता है, तो कैश हमें बनाना नहीं था, हमने सैलरी का लेजर यहाँ बना करके रखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम यहाँ से सैलरी का चुनाव करते हैं, चूंकि हमें सैलरी देना है। इसमें हम कैसे कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम करके देखते हैं। चलिए करते हैं सैलरी, मान लीजिए हम 30,000 सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट DR 30,000, एंटर। आप देख पा रहे हैं कॉस्ट एलोकेशन फॉर सैलरी, सैलरी के लिए कॉस्ट एलोकेशन हम यहां एलोकेट कराएंगे, अपने कॉस्ट को उस 30,000 को हम पैरेलल तरीके से एलोकेट कराएंगे कॉस्ट कैटेगरीज एंड कॉस्ट सेंटर्स की मदद से। आप यहां इस पर देख पा रहे हैं जो इसका फील्ड है, आप देख पा रहे हैं कॉस्ट कैटेगरीज है, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर्स एंड अमाउंट। तो हम कॉस्ट कैटेगरी सबसे फर्स्ट चुनते हैं, क्योंकि कैटेगरी के अंतर्गत सेंटर होता है, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया। सबसे फर्स्ट हम सैलरी एक्सपेंस जो हम कर रहे हैं, सैलरी एक्सपेंस हम कहाँ कर रहे हैं, कैटेगरी है मेरा सैलरी एक्सपेंस, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑफिस एक्सपेंस भी हम कर सकते हैं इसे, अगर इसे हम ऑफिस एक्सपेंस लिखना चाहें तो हम ऑफिस एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इसे यहाँ पर अल्टर करना चाहें तो हम कंट्रोल के साथ अगर हम एंटर करते हैं तो ये अल्टरेशन खुल जाता है, यहाँ पर हम चाहें
तो ऑफिस एक्सपेंस हम लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस। चूंकि मैं आप लोगों को एज एग्जाम्पल ही पढ़ा रहा हूं, तो जो आपको सुटेबल लगे, जैसा आपका विवरण हो उस तरीके से इसको आप यहां पर कर सकते हैं। मैंने इसको ऑफिस एक्सपेंस कर लिया, कॉस्ट कैटेगरी मेरा हो गया ऑफिस एक्सपेंस। तो कौन कौन सी ऑफिस का एक्सपेंस है? हमारे पास दो ऑफिस है, एक मेन ऑफिस है और एक ब्रांच ऑफिस है। मेन ऑफिस मान लेते हैं कि मेन ऑफिस पर मेरा जो खर्चा है 20,000 का खर्चा है, और ब्रांच ऑफिस पर मेरा 10,000 का। आप देख पा रहे हैं वही 30,000 यहाँ मेन ब्रांच पर 20,000। अगर हम पहले एंट्री करते तो केवल हमको इतना पता चलता सैलरी अकाउंट DR 30,000, टू कैश 30,000। लेकिन अभी हम कॉस्ट सेंटर एंड कैटेगरी का यूज करते हैं, तो वही 30,000 हमें कंप्लीट, उसका कंप्लीट समराइज करके दिखेगा, कंप्लीट डिटेल्ड में दिखेगा कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरीज की मदद से। तो आप देख पा रहे हैं ब्रांच मेन ऑफिस में मेरे 20,000 का खर्चा आ रहा है और ब्रांच ऑफिस पे 10,000। अभी 20,000 क्या खर्चा है? सैलरी में 20,000 हम दे रहे हैं, वो हम किसे किसे दे रहे हैं? हम मान लेते हैं हमारे मेन ऑफिस पर 3 एम्प्लॉयज हैं या 2 एम्प्लॉयज हैं। तो हम सबसे फर्स्ट कैटेगरी चुनेंगे एम्प्लॉयज, कैटेगरी मेरा हो गया एम्प्लॉयज। आप देख पा रहे हैं कैटेगरी एक ऑफिस एक्सपेंसेस कैटेगरी है और एक इम्प्लॉयज कैटेगरी। ऑफिस एक्सपेंसेस कैटेगरी के अंतर्गत आपके दो सेंटर हैं, एक मेन ऑफिस और एक ब्रांच ऑफिस। वही 30,000 जो है मेन ऑफिस और ब्रांच ऑफिस में डिवाइड हो गया, 20,000 रुपये मेन ऑफिस पर खर्चा आ रहा है सैलरी का, और ब्रांच ऑफिस पे 10,000 सैलरी का खर्चा आ रहा है। आप नीचे देखेंगे एम्प्लॉयज, किस एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी मिल रही है वो हम यहाँ दिखाते हैं। मान लीजिए मेन ऑफिस पर आपके संजीव हैं, संजीव की सैलरी है मानते हैं हम 7,000, 7,000 हो गया। रजत की सैलरी है 8,000, मान लेते हैं रजत की सैलरी है 8,000। सीमा की सैलरी है आपका 5,000। एंड काजल की सैलरी है आपकी 10,000। आप देख पा रहे हैं वही 30,000 हमने यहाँ 4 एम्प्लॉयज में मेन ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस पे है, और मेन ऑफिस और ब्रांच ऑफिस पर मिला करके कुल 4 एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, संजीव, रजत, सीमा एंड काजल। सबकी अलग अलग सैलरी है, वो आप देख पा रहे हैं किस एम्प्लॉय को कितना सैलरी देना है। ये मैंने एज एग्जाम्पल करा है, वो आप खुद डिसाइड कर लेंगे किसको कितना देना है जब आप बिजनेस में होंगे। हमें केवल आपको कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरीज को समझाना है। तो इस तरह से आपने देखा ऑफिस एक्सपेंसेस में मेन ऑफिस और ब्रांच ऑफिस में कुल एक्सपेंसेस 30,000, 20,000 मेन ऑफिस में और ब्रांच ऑफिस पे 10,000। इसी तरीके से एम्प्लॉयज कैटेगरी है, उसके अंतर्गत आपके एम्प्लॉयज हैं संजीव, रजत, सीमा एंड काजल, सबका सैलरी इसमें मैंने दे रखा है। कुल मिलाकर के सैलरी 30,000। कहने का मतलब वही 30,000 एक बार ऑफिस एक्सपेंसेस में शो किया और वही 30,000 एक बार एम्प्लॉयज में शो करा। हम और विवरण बढ़ाना चाहते हैं तो हम बढ़ा सकते हैं अगर कुछ और जरूरत हो आपका, बट हम यहां से एक्सेप्ट करेंगे और यहां पर हम कर देंगे कैश। आप देख पा रहे हैं पहले हम अगर विदाउट कॉस्ट सेंटर एंड कैटेगरी के अगर हम इस वाउचर को करते तो हम केवल एंट्री करते सैलरी अकाउंट DR 30,000, टू कैश 30,000। बट कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरीज की मदद से वही 30,000 सैलरी अब हमें पता चल रहा है कि हमने कहाँ कहाँ कितना किया। हमने मेन ऑफिस पर कितना सैलरी दिया और ब्रांच ऑफिस पर कितना सैलरी दिया, किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दिया, वो हमको यही पता चल गया कॉस्ट सेंटर्स की मदद से। और वही 30,000 ऑफिस एक्सपेंस में किस ऑफिस पर कितना खर्चा हुआ वो हम, और किस एम्प्लॉय को कितना दिया गया, ये हमें कॉस्ट कैटेगरी की मदद से पता चला। तो कैटेगरी एंड सेंटर्स की मदद से हम अपने वाउचर में डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस को एलोकेट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन में हम लेन देन करते हैं उसकी यूनिट्स को हम यहाँ पर डिटेल्ड में समराइज करके देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कॉस्ट सेंटर एंड
कॉस्ट कैटेगरी। चलते हैं हम डिटेल देख लेते हैं। हम डिस्प्ले पर आएंगे, डिस्प्ले पर आ करके हम यहाँ पर एंटर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर हम आ जाएंगे। आप देख पा रहे हैं इस पर ऑप्शन है कॉस्ट सेंटर्स, यहाँ हम एंटर करेंगे। तो यहाँ से हम चाहें तो कैटेगरी का समरी, कॉस्ट सेंटर का समरी, हम अलग अलग समरी ले सकते हैं। यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी की समरी हमें जाननी है। तो आप देखें इम्प्लॉयज़ का खर्चा कुल 30,000, अब उसमें इम्प्लॉयज़ को कितना कितना दिया गया वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। इसी तरीके से ऑफिस एक्सपेंस जो है वो कुल 30,000 है, किस ऑफिस में कितना खर्चा जा रहा है सैलरी का वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये हमारा विवरण है। इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो अल्ट F1 छिप जाएगा, एंड डिटेल्ड करना चाहते हैं तो अल्ट F1 करके इसको हम शो कर सकते हैं। तो ये सारा विवरण आपके सामने शो कर रहा है किस ऑफिस पे कितना सैलरी दिया, किस एम्प्लॉय को कितना सैलरी दिया, ये सारा कुछ आपका कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी की मदद से क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में आपने कंप्लीट कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरीज को पढ़ा। यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं, आपकी इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। और क्लास को आप डीपली देखेंगे तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।